जयपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह 17 अप्रैल से 8 मई तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 21 दिन तक भगवान परशुराम जयंती समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह का शुभारंभ मोती डूंगरी मंदिर में गणेश निमंत्रण के साथ हुआ। तो वहीं जयपुर के प्रमुख साधु संतों की मौजूदगी में स्टीकर का विमोचन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने बताया कि परशुराम जयंती पर मुख्य समारोह 30 मई को आयोजित होगा, तो वहीं 8 मई को जयंती समारोह के तहत जयपुर में ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, भगवान परशुराम जयंती समारोह इस बार भी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग शोभायात्राएं, बहुत सारे आयोजन सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजित हो रहे हैं। राजस्थान के 27 जिलों में शोभायात्रा निकाली जा रही है। हर गांव, तहसील में ढाणी स्तर तक कार्यक्रम इस बार आयोजित किए जा रहे हैं। उसकी शुरुआत आज हमने प्रदेश स्तरीय इस समारोह की भगवान गणेश भगवान को निमंत्रण देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ये कार्यक्रम 21 दिवसीय कार्यक्रम रहेंगे जो आज से लेकर के और 8 मई तक चलेंगे। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोग अपनी प्रतिभागिता बढ़ाएंगे और साथ साथ संकल्प लेंगे कि इस समय जो पूरे विश्व में एक संकट आया हुआ है, कोरोना का संकट, इसकी जल्दी जल्दी मुक्ति हो, साथ ही पूरे विश्व में शांति का माहौल बने, भगवान परशुराम जी से मिलकर प्रार्थना करेंगे।